दोस्तों, आइए जानते हैं पार्टिकल सिस्टम को। यूनिटी थ्योरी में पार्टिकल सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ना? तो आइए हम एक नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो मैं यूनिटी 5.6 को ओपन कर रहा हूँ। और पार्टिकल इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आप देखते हो कि गेम्स में फायर, फॉग, वाटर या फिर कोई भी इफेक्ट है ना, जो एक्सप्लोजन का इफेक्ट या कुछ ऐसा, तो वो पार्टिकल इफेक्ट से ही होता है ना। मैं गूगल में सर्च करता हूँ पार्टिकल इफेक्ट, तो आपको कुछ देखने को मिलेगा ये आखिर क्या होता है ना। तो आइए हम इमेज पे क्लिक करते हैं और यूनिटी 3D पे मैंने क्लिक किया हुआ था और ये ओपन हो रहा है। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम जब ओपन होता है तो इसका थोड़ा लोडिंग टाइम ज़्यादा होता है। फ़िलहाल मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और न्यू पे क्लिक करने के बाद एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट होगा जिसका हम नाम देंगे कुछ, और उसका लोकेशन सेट करेंगे कहीं पे भी जहाँ पे आप चाहते हो, है ना। तो अगर हम बात करें पार्टिकल इफेक्ट के एग्जांपल्स की, तो आप देख सकते हो कि ये फायर है, ये कुछ स्काई का कुछ गैलेक्सी टाइप का इफेक्ट दिख रहा है, ये कुछ पार्टिकल्स इफेक्ट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो ये सारे चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो पार्टिकल सिस्टम को जानने समझने के बाद, है ना। तो मैं यूनिटी 3D में जब मैंने नया प्रोजेक्ट न्यू पे क्रिएट किया, तो हम इसका नाम देते हैं लर्निंग पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। और ये जो लोकेशन है आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा यूनिटी गेम्स में, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो और अब जहाँ पे भी चाहो इसको सेव कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ। आप चाहो तो अल्ट्रा एम में सब्सक्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं पहचान सकूँ ये अल्ट्रा एम को के लिए बनाया गया है एक एज ए ट्यूटोरियल के रूप में, ठीक है। तो मैं क्रिएट करता हूँ प्रोजेक्ट और फिर से यूनिटी कुछ देर टाइम लेगा ओपन होने में, सारे पैकेज को बंडल करने में वगैरह वगैरह। तो फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे फिर से पार्टिकल सिस्टम की। तो ये जो भी आप इमेज देख रहे हो इसमें इतने सारे पार्टिकल इफेक्ट है ना, और ये सारे आप देख रहे हो ये सब पार्टिकल सिस्टम है। जैसे आप इसको देखो, ठीक है, आप एनिमेशन मूवीज़ में देखते हो या फिर जो भी गेम वगैरह आप प्ले करते हो, तो जब कैरेक्टर जंप करता है या फॉल करता है या डाई करता है या ब्लड का इफेक्ट, जो ये सब रहते हैं वो एक्चुअली पार्टिकल सिस्टम ही होते हैं, ठीक है। तो मैं इस सीरीज में बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि ये पार्टिकल सिस्टम टॉपिक पे पहला वीडियो है आई थिंक, और यूनिटी ओपन हो रहा है तब तक। तो हम दो तीन मिनट का वेट करते हैं और देखते हैं ये कब आता है। पार्टिकल सिस्टम एक्चुअली जब आप गेम बनाते हो तो आपके गेम में जान डाल देता है, या फिर आप एनिमेशन मूवीज या वीडियोज या जो भी आप बनाओ, इफेक्ट नेचुरल लगते हैं, फील नेचुरल देता है वो, और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चेक फॉर अपडेट, आई एम कैंसलिंग इट नाउ। एंड अगर आपने यूनिटी ओपन किया है और अगर ऐसा कुछ आपका विंडोज़ नहीं है, तो उम्मीद है कि ऐसा होगा। और ये जो विंडोज़ की सजावट है सारी लेआउट्स की, तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप चाहो तो मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो। फिलहाल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे करना है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप, आप जहाँ भी चाहो अटैच कर सकते हो इसको, ठीक है, जिस विंडो को भी आप चाहो क्लिक करके उसको अटैच कर सकते हो। एनीवे, मैं फ़िलहाल भी इस व्यू में काम कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पहले सीन को सेव करते हैं ना, इस प्रोजेक्ट के इस सीन को सेव करते हैं। तो हम सेव सीन में आते हैं। फाइल में आने के बाद आप कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हो या कमांड एस आपका मैक अगर है तो, और इस सीन का नाम मैं देता हूँ मेन सीन, ओके। ये सीन है मेन सीन। तो दोस्तों, अगर हम पार्टिकल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल क्रिएट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, फिलहाल ये हमारा जो गेम है, ये जो सीन है वो 2D व्यू में, मैं इसको 3D व्यू में शिफ्ट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ,
और अगर आप नेविगेशन में अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल मैं अल्ट की को प्रेस करने के बाद और माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे पैन कर रहा हूँ। आप चाहो तो जूम इन जूम आउट कर सकते हो माउस के स्क्रॉल व्हील से। आप माउस का मिडिल बटन अगर प्रेस करके करते हो तो फिर से आप ये यहाँ पे ड्रैग पैन कर सकते हो। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे पार्टिकल सिस्टम की। तो पार्टिकल सिस्टम में, पार्टिकल सिस्टम सबसे पहले हम क्रिएट कैसे करेंगे? हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे कि हम गेम ऑब्जेक्ट में जाते हैं और पार्टिकल सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप राइट क्लिक करने के बाद जो है पार्टिकल सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर कोई आपका गेम ऑब्जेक्ट है, हाँ, जैसे कि यहाँ पे मैं क्यूब बनाता हूँ और इसको रीसेट करता हूँ, तो ये रीसेट हो रहा है अपना क्यूब और डबल क्लिक करने के बाद ये फोकस हो गया। हम चाहे तो इसमें भी पार्टिकल सिस्टम ऐड कर सकते हैं, कोई भी गेम ऑब्जेक्ट में हम पार्टिकल सिस्टम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ये एक डमी पार्टिकल सिस्टम है जिसमें कोई मटेरियल अप्लाइड नहीं है और अभी ये ऐसा दिख रहा है। फिलहाल मैं इस क्यूब को डिलीट कर रहा हूँ और एक नया पार्टिकल सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद। यह है पार्टिकल सिस्टम। ये ऐसा क्यों दिख रहा है और वो रेडिश पिंक कलर का क्यों दिख रहा था? क्योंकि उसमें कोई मटेरियल अप्लाइड नहीं था उस गेम ऑब्जेक्ट में, ना ही उसके पार्टिकल सिस्टम में। इसमें भी डिफ़ॉल्ट मटेरियल आ गया है, मैं इसके बारे में और बातें करूँगा, डोंट वरी फॉर दैट। और इसका डिफ़ॉल्ट रोटेशन जो है ये डेप्थ में जेड एक्सिस की ओर है, आप देख सकते हो। फिलहाल कंट्रोल जेड से, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे -90 डिग्री कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरह से पार्टिकल सिस्टम है। दोस्तों इस पार्टिकल सिस्टम को यूज करके आप जिस तरह का भी इफेक्ट चाहो बना सकते हो, चाहे लेज़र बीम बनाना हो, वाटर का इफेक्ट बनाना हो, स्मोक बनाना हो, फायर बनानी हो, जो भी हो, धुआं, आग, पानी, कुहासा, मैं हिंदी टर्म कुछ यूज कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो ये भी बना सकते हो। तो ये सब बनाने से पहले आइए हम पहले सीखते हैं इसके प्रत्येक टर्म को, टर्मिनोलॉजी को, जो इसका टर्मिनोलॉजी है कि कौन सा शब्द क्या बताता है। जैसे कि अब अगर आप पार्टिकल सिस्टम पे क्लिक करते हो और ये जो है आपका पॉज है, मतलब ये सिमुलेट है ना, बंद हो गया। अगर आप सिमुलेट करते हो तो फिर से ये प्ले हो रहा है। स्टॉप मतलब कंप्लीट स्टॉप, सिमुलेट मतलब रीस्टार्ट। एंड प्लेबैक का स्पीड आप देख सकते हो कि 1 है, अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो ये डबल स्पीड से प्ले हो रहा है, ठीक है। फिलहाल कंट्रोल जेड और कमांड जेड टू यू नो अंडू दैट वन, और 1 कर देते हैं इसको हम। प्लेबैक टाइम, कितनी देर ये प्ले हो रहा है और पार्टिकल्स कितने हैं अभी इसमें। एनीवे, पार्टिकल सिस्टम में अगर आप इंस्पेक्टर में आते हो, जैसा कि आप जानते हो कि इंस्पेक्टर में हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्म कॉम्पोनेंट के बाद एक हमारा कॉम्पोनेंट है पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। और हम इसी के बारे में कम्प्लीट जब जान जाएंगे तो पार्टिकल सिस्टम के बारे में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं कौन सा शब्द क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ड्यूरेशन है ना, ये ड्यूरेशन क्या है? लूपिंग ड्यूरेशन है। जैसे लूपिंग को मैं फ़िलहाल क्लोज कर रहा हूँ और अब देखो कि मैं इसके ड्यूरेशन को 1 सेकंड कर रहा हूँ। देखो, स्टॉप करें और इसको सिमुलेट करेंगे तो ये पार्टिकल सिस्टम 1 सेकंड के बाद अपने आप स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप, ओके, ख़त्म। अगर हम इसको 5 सेकंड कर दें और फिर से इसको सिमुलेट करें तो ये अब ये 5 सेकंड तक सिमुलेट करेगा और ये फिर से 5 सेकंड बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली ड्यूरेशन है कि हम कितने देर तक पार्टिकल सिस्टम को, उसका क्या ड्यूरेशन देना चाहते हैं, ठीक है। एक तरह से आप उसको लाइफ टाइम भी के रूप में कह सकते हो, लेकिन वो ड्यूरेशन मतलब कितनी देर तक वो प्ले करेगा। लूपिंग का मतलब होता है दोस्तों कि एक बार आपने उसको स्टार्ट कर दिया तो वो रिपीट करेगा खुद को। जैसे मैं फिलहाल ड्यूरेशन को 1 सेकंड करता हूँ और लूपिंग को ऑन रखता हूँ, टिक मार्क के रहता हूँ, तो देखना ये बार बार रिपीट करेगा। जैसे 1 सेकंड में इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर नहीं, ये खुद को लूप कर रहा है, ओके। तो उम्मीद है आप समझ रहे हो इस चीज़ को। नेक्स्ट है आपका प्री वॉर्म। ये प्री वॉर्म वर्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट आप जरा ध्यान से देखो। पहले मैं इसको स्टॉप करता हूँ, फिर सिमुलेट करता हूँ, तो एक्चुअली ये बेस से, इसके पॉइंट से धीरे धीरे स्टार्ट होके ऊपर की ओर बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर हम इसको प्री वॉर्म करते हैं तो ये ऐसा लगेगा जैसे इसने एक साइकिल ऑलरेडी कम्प्लीट किया हो, ये अचानक कम्प्लीट साइकिल से स्टार्ट होगा, आप देख सकते हो, ठीक है।
ये है ना, प्री वार्म मतलब पहले से ही एक साइकिल कंप्लीट किया होना ऐसा फील देगा, और प्री वार्म अगर टिक ना हो तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होकर कंप्लीट तक जाएगा, है ना। तो प्री वार्म को आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, ये स्टार्ट डिले क्या है, मतलब जब पार्टिकल सिस्टम को आप सिमुलेट करना चाहते हो तो कितने देर का आप डिले दोगे। जैसे मैं इसका ड्यूरेशन को 5 सेकंड कर रहा हूँ, और ये जो डिले है स्टार्ट डिले, मैं उसको 2 सेकंड कर रहा हूँ। अब मैं इसको सिमुलेट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ऑन द स्पॉट ये नहीं हुआ स्टार्ट, ये 2 सेकंड क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, यानी कि स्टार्टिंग में आप कितना डिले उसको देना चाह रहे हो। फिलहाल स्टार्ट डिले हम कुछ नहीं रखना चाह रहे हैं, इसलिए मैं इसको 0 कर रहा हूँ। स्टार्ट लाइफ टाइम, ठीक है, और ये स्टार्ट लाइफ टाइम मतलब ये कि स्टार्टिंग में उसकी लाइफ टाइम क्या होगी, ठीक है। जैसे आप चाहो तो इसको एक कर्व वैल्यू भी दे सकते हो। कर्व मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे ये आप देख सकते हो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, उसी तरह से स्टार्ट डिले में भी रैंडम बिटवीन 2 कॉन्स्टेंट, ये दूसरा ऑप्शन था, है ना। रैंडम बिटवीन 2 कॉन्स्टेंट मतलब मिनिमम और मैक्सिमम क्या वैल्यू होगा कि वो उतना रैंडमली डिले करेगा। जैसे अगर आप देख सकते हो कि मैं रैंडमली कर रहा हूँ 0 to 5 के बीच में, मान लो ऐसा कर रहे हैं हम, तो ये 1 सेकंड भी रुक सकता है, 2 सेकंड भी रुक सकता है, 5 सेकंड भी रुक सकता है, कितनों भी रुक सकता है। जैसे मैं इसको सिमुलेट करता हूँ, देखता हूँ कितनी देर में ये स्टार्ट होता है, या 3 सेकंड्स अप्रोक्सीमेटली, नेक्स्ट टाइम 2 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, तो ये हुआ आपका रैंडम। उसी तरह स्टार्ट लाइफ टाइम जो है आपका, जैसे फिलहाल मैं इसको कॉन्स्टेंट कर रहा हूँ ये 0, ठीक है, और स्टार्ट लाइफ टाइम मतलब ये स्टार्टिंग इसकी लाइफ टाइम क्या होगी, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे फिलहाल मैं इसका लाइफ टाइम 1 करता हूँ, तो आप खुद फिल करोगे आखिर ये हो क्या रहा है। आप इसमें से प्रत्येक पार्टिकल को देखो, हाँ मैं यहाँ पे भी बैक आता हूँ, इसका कारण है बैक आने का क्या, मैं थोड़ा एमिशन में आता हूँ, और एमिशन में ये जो यहाँ पे रेट ओवर टाइम लिखा है उसको फिलहाल मैं 1 करता हूँ, क्योंकि मुझे इसको समझाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिमुलेट करता हूँ। देखो आप इस चीज़ को, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, ये 1 सेकंड में सब डिस्ट्रॉय हो रहा है, खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर मैं स्टार्ट लाइफ टाइम को 2 कर दूं तो आप देखोगे थोड़ा लंबा तक जाएगा ये, ठीक है, ये हाँ आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टार्ट लाइफ टाइम, है ना। स्टार्ट लाइफ टाइम में आप क्या कर सकते हो, कर्व दे सकते हो। कर्व क्या होता है कि जैसे ये हमारा, आप इसको ड्रैग करोगे तो ये कर्व यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो, इसके बारे में मैं भी बात करूँगा। और फिलहाल आप कर्व को छोड़ दो, क्योंकि जब हम और भी थोड़े एडवांस एग्जांपल्स लेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर है रैंडम बिटवीन 2 कॉन्स्टेंट, सिर्फ उसी तरह का जिस तरह हमने अभी स्टार्ट डिले किया था, रैंडम बिटवीन 2 कॉन्स्टेंट और रैंडम बिटवीन 2 कर्व, सिमिलर टू दैट वन, एंड आई विल टेल यू दैट लेटर, डोंट वरी फॉर दैट। सो स्टार्ट लाइफ टाइम फिलहाल हम क्या करते हैं, 5 सेकंड का रख देते हैं, ताकि 5 सेकंड तक जाए, और फिर से एमिशन पे हमने उसको 1 किया था, मैं इसको 10 कर रहा हूँ। एनीवे, नेक्स्ट 3D स्टार्ट साइज, जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इसको समझने के लिए आइए हम इसके साथ छेड़खानी करते हैं। एक्स एक्सिस में मैं 10 कर देता हूँ। अब देखो ये एक्स, ये जो रेड वाला दिख रहा है आपका एक्सिस, उसमें देखो इसकी साइज अचानक से कितनी बढ़ गई। वाई एक्सिस में मैं इसको कर देता हूँ 5। अब देखो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, फिर से मैं एमिशन रेट को 1 ही करता हूँ, ताकि थोड़ा ज़्यादा समझ आए। और अगर आप जेड में अगर आप देखना चाहोगे जेड एक्सिस में, तो आप देखो जेड एक्सिस में भी आप उसी तरह से बढ़ा सकते हो, और ये हो गया आपका। फिर उसी तरह से कर्व आप चूज कर सकते हो, रैंडम बिटवीन 2 कॉन्स्टेंट, जब आप इसमें करते हो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में 2 कॉन्स्टेंट आता है, आप जो चाहो रैंडमाइज कर सकते हो उसको। नेक्स्ट है आपका रैंडम बिटवीन 2 कर्व, सिमिलर टू दैट वन, आई विल टेल यू लेटर, डोंट वरी। नेक्स्ट स्टार्ट रोटेशन, है ना। स्टार्ट रोटेशन अभी इस पार्टिकल में आपको पता नहीं चलेगा, ये लगभग स्फेरिकल है, ये क्या रोटेट कर रहा है, कितना रोटेट कर रहा है, आप अभी नहीं कह सकते। जब हम इसको किसी और ढंग से बनाते हैं, जो कि मैं बनाऊंगा, तो फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे स्टार्ट रोटेशन, फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में आप कितना रोटेशन स्टार्ट टाइम में देना चाहते हो, फिलहाल इसको मैं छोड़ रहा हूँ। रेंडमाइज रोटेशन, अगर आप रेंडमाइज करना चाहोगे तो रोटेशन से रिलेटेड चीज़ दोस्तों, ये स्फेरिकल है, इसमें कुछ अभी पता नहीं चलेगा। स्टार्ट कलर, या दिस इज द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। जैसे स्टार्ट कलर अभी ये वाइट है, आप एक काम करो रेड करो, तो देखो ये स्टार्टिंग टाइम में ये रेड कलर का पार्टिकल निकल रहा है ना। आप अगर इसको ब्लू करते हो तो ये ब्लू कलर का निकलेगा, आप इसको ग्रीन करते हो तो ग्रीन कलर का निकलेगा, आपके डिजायर्ड कलर में। नेक्स्ट है ग्रेडियंट,
अब देख सकते हो ग्रेडियंट हम कैसे बनाते हैं। जैसे ये हमने लिया, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक कलर और दूसरा अल्फ़ा, है ना। आप इस पर टिक करोगे तो ये अल्फ़ा आ जाता है, इस पर क्लिक करोगे तो ये कलर आ जाता है। तो मैं फ़िलहाल दो कलर ले रहा हूँ, ये पहला पे क्लिक किया इसको किया रेड, और सेकंड पे क्लिक किया इसको किया लगभग ब्लूइश टाइप का, है ना। चलो अब नेक्स्ट है अल्फ़ा। आप अल्फ़ा यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आप चाहो तो इसको घटा सकते हो, देख सकते हो ये कैसे वैरी कर रहा है, ये कैसे चेंज कर रहा है ना। उसी तरह से आप यहाँ पे चाहो तो एक थर्ड कलर ऐड कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, एक कलर यहाँ पे ऐड हो गया और मैं इसको एलोइस कर देता हूँ। तो ये क्या है कि एक्चुअली इस तरह से मिक्स्ड रैंडम कलर को ये यहाँ पे चूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर आप इसी में आते हो और मल्टीपल ऑप्शंस में जाओगे तो रैंडम बिटवीन टू कलर्स, यानी कि आप इसको कोई भी दो कलर दो, जैसे कि एक ग्रीन है और एक हमने रेड दे दिया, तो आप देखोगे कि कुछ पार्टिकल्स रेड निकलेंगे, कुछ ग्रीन निकलेंगे और उसी में से मिक्स निकलेंगे, है ना, कुछ रेड या ग्रीन। नेक्स्ट है आपका रैंडम बिटवीन टू ग्रेडियंट्स, यानी कि आप उसी तरह का एक बार यहाँ क्रिएट किए हो, एक दूसरा बार आप चाहो तो यहाँ क्रिएट कर सकते हो कलर बार, ठीक है। आप उसी तरह से वहाँ पे उसका रैंडम ग्रेडियंट से वो चूज करेगा, रैंडम कलर यानी कि इसमें से कोई भी रैंडम सा कलर जो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, जिस तरह अभी हमने ग्रेडियंट में किया था। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटी मॉडिफायर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, आप देख सकते हो ग्रेविटी मॉडिफायर अभी जीरो है, पर हम क्या करते हैं इसके रोटेशन को, आप इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से एमिशन रेट को बढ़ाता हूँ, ये 10, ठीक है, यानी कि ये थोड़ा ज़्यादा ही रोटेट होगा। एक स्टार्ट स्पीड शायद मैंने आपको नहीं बताया, ये स्टार्ट स्पीड शायद जल्दीबाजी में छूट गया हो, मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, फिलहाल मैं कर देता हूँ ये 5 है, मैं इसको 15 कर देता हूँ। तो आप देखोगे जो हमारा पार्टिकल निकल रहा है वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड से निकल रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। इस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, ये लोकल एक्सिस में, इसलिए आप एक्सिस के साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि गिज़मो के साथ मैच नहीं कर रहा है ना, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका कि हम क्या करते हैं कि इसका ग्रेविटी को मॉडिफायर को 1 कर देते हैं हम, यानी कि एक यूनिट ग्रेविटी उस पर लगेगा। आप देखो ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो ये कैसे नीचे गिर रहा है ना। अगर हम इसकी स्पीड को और बढ़ा दें, जैसे कि इस केस में मैं इसको कर देता हूँ 45, तो आप देखो ये कुछ फुहारा की तरह है ना, 45 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 30 करते हैं, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा ये फुहारा की तरह लग रहा है, जैसे ये फुहारा निकल रहा हो कोई इसी तरह का, और एमिशन को थोड़ा मैं 25 कर देता हूँ। तो आप देखो ये पार्टिकल कितना अच्छा बन रहा है ना, आप देख सकते हो। ये इस व्यू में नहीं दिख रहा है हमारा कैमरा, कैमरा को एडजस्ट करने के लिए मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट F और कंट्रोल अल्ट F, इस तरह से कैमरा उस पर जो है फोकस हो जाता है, और उस पोजिशन पर फोकस हो जाता है। और हम क्या कर रहे हैं कि इसको मैनुअली थोड़ा रिपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। और एक मिनट जरा मैं जरा इसको रीएडजस्ट कर लूँ, कंट्रोल शिफ्ट F, है ना। तो ये हो गया आपका पार्टिकल सिस्टम को, फिर से हम सिमुलेट करते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, आप ग्रेविटी मॉडिफायर को समझ सकते हो, ये 1 स्केल है, अगर मैं इसको 12 कर दूँ तो ये तेज़ी से गिरेगा, अगर मैं इसको 0.5 कर दूं तो ये हल्का लेट से गिरेगा, ठीक है, क्योंकि उसका ग्रेविटी का इफेक्ट उस पर कम लग रहा है। हाँ, एक नया वर्ड है इसमें, सिमुलेशन स्पेस। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे आप इस चीज़ को ज़रा फिल करो, ये यहाँ पे लिखा हुआ लोकल, मैं क्या करता हूँ कि इसको ड्रैग कर दूँ, ओके। ये अगर किसी का चाइल्ड ऑब्जेक्ट है या इसका कोई पेरेंट है, तो हम क्या करते हैं जब इसको हम ड्रैग करेंगे तो अपने पेरेंट के साथ ही ये उसके ही वर्ल्ड एक्सिस में सिमुलेट होगा। लेकिन अगर इसको मैं वर्ल्ड कर दूँ, नाउ यू विल फील व्हाट इज द डिफरेंस, जस्ट टेल मी दैट। ये जो डिफरेंस आप देख सकते हो पूरे वर्ल्ड में, ये इसका इफेक्ट है। और अगर मैं इसको फिर से लोकल करता हूँ तो आप देखो क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिमुलेशन स्पीड, किस स्पीड से वो सिमुलेट हो रहा है। आप अगर इसको बढ़ा दो, 12 कर देता हूँ, आप देख लो काम सेम, रेट ज़्यादा है ना, सिमुलेशन स्पीड बढ़ गया, उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्केलिंग मोड, ये लोकल, हायरार्किकल और सेम। जैसे जब हम इसको स्केल करेंगे, ठीक है दोस्तों, जैसे मैं इसको बताऊंगा जब अपन एडवांस टॉपिक में चलेंगे तो, ठीक है, डोंट वरी। प्ले ऑन अवेक, ये क्या चीज़ होता है देखो बताता हूँ। जैसे हमने इसको अनटिक किया, इसको स्टॉप किया, हम इसको प्ले करते हैं, ठीक है। अब देखो कि ये पार्टिकल सिस्टम, जैसे मैंने इस सीन को प्ले किया है, फर्स्ट टाइम प्लेइंग द सीन, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग टाइम, सो डोंट वरी। ये क्या प्ले हुआ? नहीं, मतलब ये एक्टिव है लेकिन फिर भी ये प्ले नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं, प्ले ऑन अवेक को फिर से मैं टिक करता हूँ
और इसको स्टॉप करता हूँ और फिर से प्ले करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये जैसे ही हायरार्की में एक्टिव होता है ये ऑटोमेटिक प्ले होगा। ओके, तो ये डिफरेंस थी उसमें। नेक्स्ट है आपका मैक्स पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल का मैक्स नंबर क्या होगा, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकता है इसमें। ठीक है, एमिशन में जब मैं आऊँगा तो रेट के बारे में समझाऊँगा। नेक्स्ट है ऑटो रैंडम सीड, ये क्या चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ मैं एमिशन रेट को फिलहाल 2 कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखो ये जो एमिट कर रहा है, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं फिलहाल इस कलर को किधर गया यार कलर, ठीक है, और मैं इसको वाइट कर रहा हूँ ताकि आप फिल कर सको सही चीज़ को। नेक्स्ट है जैसे, और मैं साइज कहाँ गया भाई, स्टार्ट साइज, ये जो आपका कर्व है उसको भी मैं कॉन्स्टेंट कर रहा हूँ 10, ठीक है, अब ये सही लग रहा है। नेक्स्ट है जब आप इसको ऑटो रैंडम सीड करते हो, अभी मैं अनटिक करता हूँ इसको और स्टॉप करता हूँ, तो आप देखो ये जो पैटर्न है फॉलो कर रहा है ये, आप इसको गौर करो, ये बार बार रिपीट कर रहा है उसी पैटर्न को, जिस पैटर्न में वो इंस्टेंट सीड हो रहा है ये उसी को रिपीट कर रहा है जब मैं सिमुलेटर स्टॉप कर रहा हूँ तो। लेकिन अगर आप इसको ऑटो रैंडम सीड कर देते हो तो ये क्या होता है कि प्रत्येक न्यू सिमुलेशन में नए तरीके से पार्टिकल इफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है पार्टिकल सिस्टम पे। मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ पार्टिकल सिस्टम पार्ट 2 को लेकर, और तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को चाहे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सी यू सून फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।